पंडित सर्व सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवम गरिम पते उच्छामि समय पावे मैं सुर के वली नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः सद्धर्मानुरागी संवेदी महानुभावों विषयों से विरक्त निर्वेदी जीवो, सबसे पहले तो आपके मोक्ष मार्ग पर चलने की कामना भावना को बधाई हो। बात कुछ दो चार दिन की नहीं है, ना 40-50 साल की भी है। हमारे दुख की दास्तान अनंत काल से चलती आ रही है। जीवत मरत अनादिकाल तय योगी है मुरझा। भले ही हमारा दुख प्रत्यक्ष रूप से 40-50 साल का ही है, लेकिन परोक्ष का विषय बहुत बड़ा अतीत है, अनंत काल व्याप लेगा। नित्य निबोध माहिते कड़ी कर। आज तो हम दुख गिना सकते हैं, उनको कैसे गिनाए? ठीक है, और फिर क्यों गिनाए? अभी समय उन दुखों को गिनाने का थोड़ी, अभी तो विचार करने का समय यह है कि कुछ उपाय निकल सकता है क्या, कुछ उपाय हो सकता है क्या। हम अपने घर के मरीज को, घर के बच्चे को ले लेकर जब डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, हमको ये नहीं सुनना है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। हमको तो ये सुनना है कि तुम क्या कर सकते हो इसमें। हमको उपाय सुनना है, उपाय। उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो उपाय बताओ। हमको ना नहीं सुनना है, और सच्चे खोजियों को मार्ग मिले बिना नहीं रहता है। संक्षिप्त में थोड़ी सी एक पहली बात, इस चतुर गति ब्रह्मणा का दुख का मूल कारण मिथ्यात्व है। शास्त्रीय भाषा रोज सीधी सरल भाषा में विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है उसके अनुरूप थिंकिंग नहीं करना। कुल मिलाकर बात वही आई, हमारा सुख दुख हमारे थिंकिंग से जुड़ा है, पर द्रव्य के रख रखाव से नहीं। बात फिर घूमकर यही आ गई, सुख दुख के सूत्रधार हम ही अपने हैं। ये जैन शासन है प्यारे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमारे सुख के धागे दोरे सूत्र किसी और के हाथ में हो सकते हैं, और ना ही हम ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी की कठपुतली बनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए एक नीतिज्ञ ने यह कहा है, किसी की सिफारिश और दुआ से स्वर्ग जाने की स्वर्ग जाने से बेहतर है मैं तो नरक ही चला जाऊं, क्योंकि किसी की सिफारिश कृपा से हमको कुछ भी बर्दाश्त नहीं।
और वस्तु स्वरूप बर्दाश्त नहीं करता। गजब ढाया है इस क्षण भर की मिथ्यात्व ने, ये बीज अंकुरित होकर इतना जटिल वटवृक्ष हो गया है, ये इतनी शाखाएं फैलाई है इसने कि इसके इसकी जकड़नों से चंगुल से छूटना अब हमको कठिन सा क्या। कभी कभी ऐसा लगता है बस अभी चलते चलो चलते चलो, जस्ट गो नाउ, जस्ट गो, रोते रहो, यही बस यही है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। देखो ना हमने क्या क्या नहीं किया, सुखी होने के नाम पर हमने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए, गाड़ी बंगला मकान फैक्ट्री 100-200 नौकर सलूट जहाज तह करने वाले सिक्योरिटी आदि आदि, लेकिन वो मन की घुटन का क्या करे। किसी के दुख बाहर दिखे, किसी के और दुचिता ही उसका क्या करे। और हम तो रो भी नहीं सकते ना किसी के पास, क्योंकि हमारा स्टेटस है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आदि 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 आदि। और फिर रोने से वैसे होता भी कुछ भी नहीं है, और वो उपाय भी एकदम रथ्या मिथ्या है, वो तो इसकी तो शिक्षा दी भी नहीं जाएगी। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात को 12 बजे जब स्वतंत्रता हासिल की थी, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, लेट अस ऑल रिजॉल्व टू वाइप ईच एंड एवरी शेडिंग टीयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन। आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि भारतवासियों के एक एक आंख में से एक एक आंसू हम पूछने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। अब कितनी पली क्या भगवान जाने, वे आंसू मतलब दुख मतलब क्या समझते हैं उनकी वो जाने। ये सर्व के शासन है, दुखों का समूल नष्ट करना है, अरे अंशतः भी नष्ट करना है तो इसका अंश आश्रय करना पड़ेगा, समूल नष्ट करना है तो समूल आश्रय करना पड़ेगा। ठीक, क्या कुछ उपाय हो सकता है? जो पिछली बातें हैं सो तो हो ही गई, निकली गई, बीती ताही विसारी क्या आगे की सुध ले। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में क्या थे हम और क्या होंगे अभी, आओ सब मिलकर विचार करें हम सब। ये मीटिंग है, सॉर्ट ऑफ शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम आए हैं विचार करने के लिए, क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है। आशा भरी निगाह से हमारी आशा कामना हमारी कोरोना ऊपर वालों की, कोरोना हुई आचार्य संत भगवंतों को तो कोरोना होती नहीं है, निर्दयी है। निर्दय था जैन शासन में, दुर्गुण नहीं गुण माना गया है, अलौकिक रीति नीति है सब। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, यदि विकल्प कुछ आए तो भी संबोधन समता में। क्या कुछ उपाय हो सकता है? हो सकता है, कौन बताएगा। सर्च में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसके पास जाए, किनका आश्रय ले, सब अपने अपने दुकान खोले हैं यहाँ पर, दावा तो सब यही कहते हैं, आवाज भी सबकी यही है। जो वितरागी हो, निष्प्रभ हो, वे विपरीत उपदेश नहीं दे सकते। जो स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हो, वे विपरीत उपदेश नहीं दे सकते। लोक में हम देखते हैं हम सहज ही बात कर रहे हैं, हमें वहां पर जाना है, तो सहज में कोई आदमी बैठा है, हम गए थे, तुम्हें काम करना, ऐसे जाना ऐसे जाना, तो अच्छा तुम गए थे, कैसे जाते हैं? जो नहीं गए उनको नहीं पूछा जाएगा, ना उनको बोलने का अधिकार है, और बोले भी तो उनकी बात को उतना जायज नहीं माना जाता। तो आइए हम सब आचार्य महर्षि
कुनकुन स्वामी के शरण में चलते हैं 2000 वर्ष पहले। ये 2000 वर्ष का फासला हमारे भावों के जरिए पूर्ति हो सकती है। इसकी एक पहली गाथा है मंगलाचरण की, उसको पढ़ते हैं। वैसे समयसार में 415 गाथाएं हैं। समयसार का भी पूरा जिस्ट देने का भाव है, समयसार की रूपरेखा, उसका क्या कहना चाहता है समयसार, एट ए ग्लांस हम 10 दिन में देखने का प्रयास करेंगे। 415 गाथाओं को पढ़ने की न जिनके पास बौद्धिक बल है, न शारीरिक बल है, न आयु है। जैसेन स्वामी ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने ये कहा कि ट्रेलर से काम तो हो सकता है, पहली 12 गाथाओं का अध्ययन करें, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए हमारा समय सार पूर्ण हो जाता है। 12 गाथाओं का सिलेबस दिया है तो विचार आया 12 गाथाएं यहां पर चलाई जाए, लेकिन समय तो बहुत सीमित है अपने पास, तो और कुछ गुंजाइश हो सकती है क्या? हाँ, 8वीं से लेकर 12वीं गाथाएं इनकी भी छूट हो सकती है, क्योंकि ये 5 गाथाएं हैं, ये निश्चय और व्यवहार की विवक्षाओं को समझाने के लिए है। कुल मिलाकर हम आ गए और हमारे पास अध्ययन के लिए 7 गाथाएं बची हैं। इन 7 गाथाओं को जो आत्मिक भावना से सुनेगा, समझेगा, उसको सुख की अवश्य प्राप्ति हो, उधारी का काम नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है कि 7 गाथाओं को पूर्ण होने के बाद पूछना पड़े, उन 7 गाथाओं का पूरा क्रीम हर एक कक्षा में, हर एक मोड़ पर हम परोसने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बात वही है, कल के आपने देखी कि हमने देखी, विलंब नहीं करना चाहिए। भगवती आराधना में ऐसा लिखा कि संघस्थ कोई मुनि निरर्गल आचरण कर रहा हो, और आचार्य यदि ये सोचे लेट्स सी टुमारो, कल पर डाल देंगे इसको, कल देखेंगे, तो धिक्कार है ऐसे आचार्य पर। ऐसा कहते हुए कहा यदि इसी रात में आचार्य का उस शिष्य का मरण हो जाए तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये आश्रम अनंत काल तक चलता रहेगा, उनका हमारा शुभस्य शीघ्रम। दोष के निवारण में गलती नहीं, देरी नहीं होना चाहिए। पहली गाथा हम सब पढ़ लेते हैं। गाथा के पास नहीं हो, जरूरी भी नहीं है, एक गाथा भर पढ़नी है, बस पढ़ना ही है अपने को गाथा, फिर मैं यहां से बोलूंगा। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोभवम गदिं पते, ओच्छामि समय पाहुड़। कितना आश्चर्य, हम उम्मीद भरे भाव से कुनकुन स्वामी की शरण में आए थे, लेकिन कुनकुन स्वामी के पास जब हम जैसे ही पहुंचे, कुनकुन स्वामी हमको और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं? वे ऑलरेडी सिद्धों की शरण में जा रहे हैं। तुम्हारे लिए हम बड़े होंगे, लेकिन हमारे भी तो बड़े हैं, उनकी भी तो हमको केयर करनी पड़ती है। मुनियों के आचार ग्रंथों में ऐसा एक प्रकरण आया कि मुनियों के शर्ट आवश्यक कहे हैं, आप सब जानते होंगे, यहां पर डिस्प्ले नहीं करे, नहीं करो, इसको ऑफ करो। क्या कह रहा था मैं? ये कह रहा था कि मुनिराजों के 6 आवश्यक कहे, समता समारे थुति उचारे वंदना जन देवी। थुति का जो प्रकरण है, स्तुति का जो प्रकरण है,
मूलाचार आदि ग्रंथों में यह बात आई, जब संगस्त सभी मुनि आकर स्तुति करने लग जाए आचार्य की, आचार्य किसकी करे, आचार्य क्या करे, और फिर नहीं करे तो उनके इच्छा आवश्यक कैसे बनेंगे। प्रश्न आया, समाधान के रूप में यह बात आई, ऐसा नहीं है। जब संगस्त समस्त मुनि जब इनकी स्तुति करते हैं, ये भावों की अपेक्षा विचार करते हैं अपने आचार्य प्रवर को, और ये खूब खूब उठाकर उनके झोले में डाल देते हैं सब, ऑल दिस सब कंट्रीब्यूशन, सब ट्रिब्यूट, सब श्रेय सब उनका है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। तो ये नहीं सोचते ये हमारी भक्ति कर रहे हैं। हम कुनकुन स्वामी की शरण में आए, कुनकुन स्वामी हमें और आगे लेके जा रहे हैं, वहां तक लेके जा रहे हैं जिसके आगे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, पर जाना वहां तक जिसके आगे कोई राह नहीं, एक अंतिम लिमिट सिद्धावस्था, यह चरण सीमा है आत्मा के विकास की, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, जितना स्वभाव में है वो सब पर्याय प्रकट हो जाता है। सिद्धों के शरण में लेके जा रहे हैं, वंदित तो सर्व सिद्धे, सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। जब भी घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, हम बड़े बुजुर्गों को याद किए बिना नहीं रहते हैं, ये मांगलिक कार्य है, इसमें बड़े लोगों को, सीनियर सिटीजनों को, बुजुर्गों को याद किए बिना कैसे रहा जाएगा। हमारे बुजुर्ग तो सिद्ध भगवान है, पहुंचे हुए यही पुरुष है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। दैदीप्य जिन्होंने किया है तीन लोगों, आगे कुछ कहते हैं, सिद्धों को नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। क्यों सिद्धों को क्यों नमस्कार किया इस प्रसंग में, बिना प्रयोजन के तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, कहीं भी माथा बिना प्रयोजन के परीक्षक नहीं टेकता, कुछ भी नहीं करता, सिद्धों को क्यों करें। तो तीन क्वालिटी सिद्धों की बताई, और कल रात में भी बात चली थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हम तो गुणों से बंधे हैं, व्यक्ति कौन है इससे हमें क्या मतलब, राम है कि रावण है हमें क्या मतलब। मैं खनिया दाना 8 साल रहा, फिर मैं मंगलायतन आया, तो खनिया दाना क्यों छोड़ा प्रश्न आता है। वैसे मंगलायतन वालों ने खूब बुलाया आए, मैं तो मंगलायतन में भी ये बात कहता हूं, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, हम खनिया दाना से मंगलायतन से बंधे नहीं है, क्योंकि हम किसी क्षेत्र विशेष से नहीं बंधे हैं, हम तो धर्म से बंधे हैं, जहां पर हमारा धर्म ज्यादा होगा वहां पर हम चलेंगे। हम तो धर्म से बंधे हैं, हमें क्या मतलब इन क्षेत्रों से। ठीक, तीन क्वालिटीज सिद्धों की बताई, सिद्ध कैसे हैं जिनके कारण आप उनको याद करते हैं झुकते हैं। विध्रुव है, अचल है, अनुपम, ध्रुव अचल मनोवम, तीन क्वालिटीज कही, वे ऐसी गति को ऐसी अवस्था को प्राप्त है, ध्रुव अचल अनुपम, इसकी चर्चा करते हैं। आज शायद गाथा की ही चर्चा होगी, समय अनुकूलता देता है तो टीका पर भी अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं, अभी गाथा को ही समझ रहे हैं। धैर्य से सुने, सबको समझ में आएगा ऐसी गाथा, बाल गोपाल सबको सदा का आनंद की सुने। समझने की जिज्ञासा कायम चाहिए, समझ में नहीं आना अलग बात है, समझने की इच्छा नहीं होना अलग बात है, समझ में नहीं आना क्षण क्षण पर निर्भर होता है, और समझने की इच्छा रखना हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। कम समझना ज्यादा समझना इससे मोक्ष मार्ग नहीं होता, समझने की जिज्ञासा दबिज बनी रहना मोक्ष मार्ग तो इस विशुद्धि से आगे बनता है। तीन क्वालिटीज सिद्धों की कही जा रही है, सिद्ध भगवान ध्रुव अचल अनुपम पद को प्राप्त हुए हैं।
एक एक को हम समझते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं सुना है, समझा है, वे सब इसको समझ जाएंगे। ऐसी ये बात है। ध्रुव विशेषण डाल दिया पहले। भैया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अब समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? ठीक है, अब यहां वहां देख रहे इसलिए मैंने सीधे। ध्रुव तारा सुना है? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा आप लोगों ने सुना है। ध्रुव तारे की विशेषता है अन्य सौर मंडलवत, अन्य सोलर सिस्टम वत वो परिक्रमा नहीं लगाता। सुमेरवादी की वो ध्रुव तारा वही बना रहता है। इवन दो इट रोटेट्स इट डजंट रिवॉल्व। समझ में आया? घूमता तो है वही वही इर्द गिर्द में, ऐसा नहीं घूमता, इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं। स्थायित्व किसको पसंद नहीं है? थोड़ा सा विचार। अभी यदि मैं यहां पर गिरने लग जाऊं कुछ चक्कर वक्कर आकर, तो आप क्या समझते हो मैं माइक को पकड़ूंगा? पकड़ा जा सकता है? और क्या यह सहारा मुझे सुखदायी होगा? जो स्वयं अस्थाई है, डगमग ही जिसका आसन है, उसका आश्रय करके हमारा निहाल कैसे होगा? स्थायित्व की बात चल रही है। ध्रुव अर्थात स्थायित्व, परमानेंसी यहां पर। और विचार करो, थोड़ा और विचार करो। आज आपको बस इतनी घोषणा हुई, आज 10 बजे प्रवचन होगा। फिर यह बताना पड़े आपको आज यहां होगा, कल वहां होगा, फिर कल वहां होगा, फिर 10 बजे वहां से दौड़ने लग जाए, फिर वहां पर चले जाए, वहां से दौड़े, फिर यहां से वहां, वहां से वहां। कितनी इनकन्वीनियंस होगी। व्हाट डू यू प्रीफर? अरे एक रखो भाई, आप जो भी है। आज 10 बजे रखो, कल 10:30 बजे, परसों 11 बजे, फिर 11:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी कुछ, कभी कुछ। कैसे व्यवस्था चलेगी? हम सब स्थायित्व चाहते हैं। समय में, स्थान में, हर जगह हमको स्थायित्व चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते समय हम एक ही प्रश्न पूछते हो, क्या क्या गारंटी क्या है इसकी? हम कंपनी आदि भी देखते हैं, वो गारंटी ही के लिए करते हैं। हम मूर्ख नहीं है। 18-18 और 20-20, 24-24% छोड़कर हम 8-8 और 9-9% में SBI आदि में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्थायित्व चाहिए। आधी रात भी हमको चीज लगे, हमको हाथ में मिलना चाहिए। हम सब स्थायित्व चाहते हैं। और स्थायित्व भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सुख का स्थायित्व चाहते हैं। जो दुखी हो वो क्यों स्थायित्व चाहेगा? वो तो छटपटा रहा है उसमें से बाहर आने के लिए। जो सांसारिक सुख है वो भी स्थायी नहीं है। सुख से दुख, दुख से सुख, सुख से दुख। हर रात के बाद प्रहर होती है, दिन होता है, हर दिन के बाद रात होती है। सदा सुखदास जी के शब्दों में, संसार में दुख तो पहाड़ बराबर है और सुख तो राई बराबर है। और ध्यान रखना, वह सुख भी सच्चा सुख नहीं है। तुम्हें हाथ आगे करना पड़ेगा। ये पुस्तकें बट रही है, आपको हाथ आगे करना पड़ेगा। आप सब समझ रहे हैं बात को? और हाथ तो हम नहीं आगे कर सकते ना। हे भगवान, तुमने हमको, एक कवि ने लिखा, हे भगवान तुमने हमको हाथ दिए, पैर दिए, ठीक किया, लेकिन ये फैलने वाले हाथ, रेंगने वाले पैर हमको क्यों दिए? उसके पहले क्यों नहीं काट डाले? हम सब स्थायित्व चाहते हैं, स्थायित्व, परमानेंसी चाहते हैं। ध्रुव गति को प्राप्त सिद्ध भगवान हुए, लौट कर वे पुनः कभी भी संसार में नहीं आएंगे। अपुनर्भव पद की उन्होंने प्राप्ति की है। प्रवचन सार के 8वीं गाथा के आधार से कहना हो तो सिद्धों का ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से उत्पाद नहीं होगा। बात को पूरी करो, बात को पूरी करो। कोई सिद्धों का, सिद्ध भगवंतों के का जो द्रव्य है
उनका ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से उत्पाद नहीं होगा, और ऐसा उत्पाद हुआ है कि फिर से व्यय नहीं होगा। उत्पाद व्यय से रहित सिद्ध भगवान हो चुके हैं, अपेक्षाकृत कथन है। संसार अवस्था का ऐसा व्यय हो गया है, लौट कर फिर से ये नहीं आएगा। और सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद हो गया है, अब ये फिर से नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा पद हो, छीने जाने का डर तो बराबर बना रहता है। चक्रवर्ती का भी पद हो, पद तो जाएगा। तीर्थंकर का भी क्यों ना हो, जाएगा। जितनी दो नंबर की प्रॉपर्टी है, जितना नाजायज यहां वहां से इकट्ठा किया है, वो एक न एक दिन छीन दिया जाएगा। तीर्थंकर के पास जितनी भी दो नंबर की प्रॉपर्टी है, उनके अपने एसेट नहीं है, वो कभी ना कभी छीन दी जाएगी। ध्रुव गति को प्राप्त हुए, ध्रुव मतलब स्थाई, लौटकर पुनः कभी संसार में नहीं आएंगे। इसलिए हम उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सिद्ध भगवान की भी जो पर्याय है वो है तो अनित्य, है तो अनित्य, लेकिन अनित्य होने पर भी जो नई 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 पर्याय उत्पन्न होती है वो एक सी होती है। इसलिए उनको ध्रुव ऐसा विशेषण दे दिया। ध्यान रखना, हमारा ध्रुव स्वभाव है वह एक रूप है, और ध्रुव पर्याय जो सिद्धों की हुई है वह एक सी है, एक रूप और एक सी। मशीन में हमने रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्ट निकला। हजारों प्रोडक्ट निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हूं बहु एक से। सिद्धावस्था जितनी भी हुई है, जो सुख उनको उत्पन्न होता है, अव्यवादत्व 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 प्रत्येक समय में, उसमें कमी कभी नहीं आती, ना चेंज आती है ना कुछ होता है, बराबर एक सरी का जीवन चलता रहता है। उनका कार्डियोग्राम फ्लक्चुएट नहीं होता। ये ध्रुव की बात है। ध्रुव क्यों है, क्योंकि ध्रुव पद का आलम्बन लेने से ध्रुव हुए हैं। ध्रुवता में विनाशिकता का व्यवच्छेद निहित हो गया। क्या कहा, आचार्यों के कथन है सब। ध्रुवता कहकर यह ध्रुव क्यों है सिद्ध भगवान, क्योंकि उनका विनाशीपना खत्म हो गया, वे अविनाशी हो गए हैं, इम्पेरिशेबल, नाश अभी उनका कभी भी नहीं होगा, इसलिए ध्रुव है। अमृतचंद्र स्वामी ने एक एक हेतु दिया है, ध्रुव क्यों, अचल क्यों, अनुपम क्यों। ध्रुव क्यों कहा, विनाशिकता का व्यवच्छेद, टूटना नहीं होगा कभी, चलता रहेगा सूत्रबद्ध। ध्रुवता का आलंबन लेने से ऐसे दो हेतु दे दिए ध्रुव। सिद्ध भगवान ध्रुव होने से हमारे लिए शरण होता है। सेकंड, ध्रुव भगवान सिद्ध भगवान अचल पद को प्राप्त हुए हैं। सेकंड, अचल पद की बात कर रहे हैं, अचल क्यों हुए हैं। अब लोक में भी हम देखो, यहां पर आप ऑफिस में जाते हैं, आपको कहा, आपने कहा हमको ये चाहिए, उन्होंने कहा वहां पर जाओ, वहां पर गए, आपने कहा वहां पर जाओ, फिर कहा वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, और क्या हम बेवकूफ है। आज HDFC क्यों प्रिफर करते हैं लोग, ICICI क्यों प्रिफर करते हैं लोग, एक्सिस क्यों प्रिफर करते हैं लोग, यहां जाओ वहां जाओ, हमको वो झंझटे नहीं चाहिए, एक स्ट्रोक में हमारा काम होना चाहिए, हम घूमेंगे नहीं। आप घर से यहां पर आए हैं, गाड़ियां बदल बदल के आए हैं, आप क्या चाहते हैं, घूम घूम के आए, हम क्या चाहते हैं, सभी जन अपना स्थाई घर चाहते हैं, स्थाई जॉब चाहते हैं, प्रवचन में स्थाई वक्ता चाहते हैं, वक्ता भी स्थाई श्रोता चाहता है। ये स्थायित्व का बिंदु ध्रुव में हो गया था। अचलता में इतना ही कहा जा रहा है, सिद्ध भगवान हमको आदर्श इसलिए है क्योंकि वे अचल पद को प्राप्त हुए हैं, वे अभी कभी भी चलायमान डोलायमान नहीं होंगे, अचलित है। हेतु दिया परिभ्रमण का व्यवच्छेद होने से, अब परिभ्रमण भटकते इनकी नहीं होगी। ऊंचा पद जिन्होंने प्राप्त किया है, यहां जाओ भटका भटकी नहीं कर सकते, भटका भटकी तो दुख रूप है। धर्म के नाम पर
आपको घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा, ये कौन से सुख की बात है? पर धक्के तो खाने पड़ते हैं, कितना भी लैविश रूम मिला तो अपना लाइफ स्टाइल तो बिगड़ता ही। और बात आपकी ही थोड़ी, विद्वान की भी यही हालत होती है। भटकना कोई नहीं चाहता, जो लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर, शिविर के नाम पर यह हवा भटकते हैं, उनको भली भांति इस बात को समझना चाहिए। और विषय भोगों के नाम पर भटकने वालों की तो बात ही नहीं है। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाहता हमें जलो सुकंदर में सही। आगे अर्थ तो समझ में आ गया होगा। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, अग्नि हमको शिक्षा देती है, प्रकृति खुली पुस्तक है। अब जो भी देखोगे उससे आपको शिक्षा मिल सकती है, यदि आपने विद्यार्थीपना हो तो। कलाम की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अ वीक स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अ वीक टीचर रेदर देन अ वीक स्टूडेंट फ्रॉम अ नाइस टीचर। आप समझ रहे हैं बात को? बात कहां तक आई थी? अग्नि हमको कुछ शिक्षा देती है क्या? मत जलो दूसरों पर, यह हालत होगी तुम्हारी। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाहता हमें जलो सुखांतर में सही। आगे बोलो। वायु कहे भ्रमणा वृथा हो निश्चल, घूमने घूमने की जिनकी टेव पड़ी है अवश्य यदि उनको आयु बढ़ती है। घूमना चाहते हो? क्या है बंधन बंधन बंधन, क्या बोलते ही आने जाओ आने जाओ पूछ कर जाओ। फ्रीडम चाहते हो, जिसको तुम फ्रीडम कहते हो, हाँ, जिसको तुम तुम्हारा तथाकथित फ्रीडम की बात है। कोई रोक टोक नहीं चाहते हो? हाँ, नहीं चाहते कुछ भी हम, ठीक है। तथास्तु, इतनी चौरासी लाख योनियां तुम्हारे लिए ही है सब। वायु कायिक, घूमते रहो भ्रमते रहो, घूमते रहो भ्रमते रहो, दिशा तो कुछ नहीं। कौन से पद की बात चली? अच्छा, ध्यान रखना, सिद्धों को नमस्कार है मतलब उस ध्रुवता को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार मतलब अचलता को नमस्कार है। ये बदला बदली नहीं चाहिए हम, आज ये कपड़ा वो कपड़ा, कौन सा पहनो क्या पहनो, बेवकूफी। ध्रुव अचल अनुपम, सिद्धों को नमस्कार मतलब अनुपमता को नमस्कार करना। ये अनुपम क्या है? जिसको कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा नहीं दी जा सकती मतलब सांसारिक किसी भी प्रकार के सुख की तुलना सिद्धों के सुख के साथ नहीं की जा सकती, भले ही ग्रंथों में ऐसा वर्णन आपको मिलेगा तो, कि इंद्रों से अनंत गुना सुखी है सिद्ध भगवान। इंद्रों से कितना गुना सुखी है? बहुत इजी है, जो मैथमेटिक्स समझते हैं, अनंत भगवान अनंत गुना है ना। इंद्र कितने सुखी है? अभी उनकी मिट्टी पलित करेंगे हम एक दो दिन में, फिर शायद इंद्रों की बोलियां बोलने की गुस्ताखी कोई नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? इंद्रों की जिस दिन मिट्टी पलित होगी उस दिन मुझे इंद्र बनना के नाम पर कोई नहीं नाचेगा। कहां तक बात चली? सांसारिक सुखों की तुलना सिद्धों के सुख के साथ बराबरी नहीं हो सकती। क्यों भैया? प्रश्न एक, ये मदर टेरेसा अच्छी है कि रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे हैं? कौन है अच्छे? कौन अच्छे है भैया? अरे अच्छे एक फील्ड तो हो उनकी, तभी तो कंपैरिजन करें। दोनों को नोबेल है, वन फॉर लिटरेचर, एक तो सोशल वर्कर है, एक तो लिटरेचर के लिए, कोई संगीत के लिए, कोई कैसे तुलना करे हम?
जो स्वर्ग सुखों से अनंत गुना मोक्ष सुख होता है ऐसा कहने में आता है, एकदम स्थूल कथन है। प्रलोभन देकर आपको वहां पर बढ़ाने की चेष्टा की है, ये चरणानियों की ऐसी ही शैली होती है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, यदि थोड़ा भी मैथमेटिक्स जानते हो तो इंद्रों का सुख कितना है, जीरो। उससे अनंत गुणा करो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय अनंत कितना होता है, ये निकला, ये धूल निकल आई। अनंत गुना अनंत, अनंत गुना मतलब क्या? गांधी जी अपने स्कूल लाइफ में पेपर लिख रहे थे, हिंदी का पेपर था, पहला ही प्रश्न था निबंध का, निबंध में मां पर निबंध लिखने की बात थी। ढाई घंटे हो गए, तीन घंटे में से पेपर लिखा नहीं है कुछ भी इन्होंने। कुछ भी नहीं लिखा, उनको वार्निंग आ गई, तुम लिखते क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, लिखो लिखो लिखो, 10 मिनट वार्निंग बेल, अभी तो लिखो, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। 2 मिनट में एक लाइन स्क्रिबल डाउन करी। जब से मैं ये सोच रहा हूं मां पर निबंध कैसे लिखा जा सकता है, मैंने खूब सोचा, मां ऐसी होती है क्या, माँ वैसी होती है क्या, माँ इसके शरीर की होती है क्या, किसकी शरीर की होती है क्या, कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है मुझे। माँ माँ जैसी ही होती है, अतुलनीय होती है, एक ही लाइन का आंसर शीट चला। मोक्ष सुख के हम तो आपको पूछे, मोक्ष सुख की तुलना कैसे हो सकती है किसी चीज से, अनुपम है, क्योंकि चारों गतियों में जितना सुख दुख है, यह कथनचित चारों गति की समानता बताई। क्या कहा, 19-20 थोड़े अप्स थोड़े डाउन, हीन अधिक रूप से सभी दुखी है, कोई कम दुखी कोई ज्यादा दुखी, सभी दुखी है। नारकी अच्छे और देव, नारकी खराब और देव अच्छे, ये बात नहीं है, कम ज्यादा दुख की बात है। बड़ों के दुख बड़े होते हैं, उनका दुख मारपीट का है, इनका दुख दूसरा है। कनक कनकते माँ दत्ता सो गुनिया निकाई, ये खाए बौरात है, बोलो वे पाए बौरात, नहीं समझे? कनक कनक समझते हो, कनक कनकते माँ दत्ता सो गुनिया निकाई, यम का अलंकार है, एक शब्द के दो अर्थ, दो बार कनक आ गया शब्द, एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, एक कनक का अर्थ है सोना। कनक कनक ते मादकता सोगुनी अधिकाई, ये खाए बौरात है, धतुरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। सो सब कंचन माने, जो जन खाए धतुरा सो सब कंचन माने, पागल हो जाता है धतुरा खाने पर, और सोना मिलने पर भी ऐसी ही हालत होती है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, उनके दुख लगभग एक सरीके हैं, उनका अपन करेंगे कल परसों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात आएगी। नहीं रहा जा रहे तो एक बात कह देता हूं, हम स्कूल में एक चैप्टर पढ़े, 5th में पढ़े होंगे, 5th-6th का एक चैप्टर था, शानदार और बेहतरीन चैप्टर था। उस चैप्टर में ये बात बताई थी कि एक गांव है, और इस गांव में बहुत आकर्षण था एक आदमी का, बहुत रईस आदमी था, वो आदमी कभी किसी को दिखता ही नहीं था, बड़े बड़े गगनचुंबी कंपाउंड, वो कब दिखे अंदर का कैसा होगा क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर गेट खुल जाते थे रिमोट पर, जूम 10-5 गाड़ियां निकल जाती थी, ठेठ 5-6 बजे या रात में और 10-12 बजे एक साथ 5-6 गाड़ियां आती थी, गेट खुलते थे अंदर, एक क्यूरियोसिटी का विषय बना था, क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा, सालों से ये सबको बना रहा है, क्रेज जिसको कहते हैं, कौन होगा क्या होगा। एंड वन फाइन मॉर्निंग, उस चैप्टर में ये बात थी, अचानक एक दिन सुबह क्या हुआ, बहुत जोर की आवाज आई ठो, और पता ये चला था कि उसने सुसाइड कर लिया है। अरे ये क्या हो गया, 5th में चैप्टर पढ़ा,
all that glitters. बोलो, अरे कुछ तो बोलो. All that glitters is not gold. दूर के ढोल सुहावने, हम उनको सुखी कहते हैं. माथा रगड़ने को आते हैं लाइन से. क्या कहा, क्या कहा? माथा रगड़ने को आते हैं लाइन से. कहा पर लिखा? भूधर दास जी मंगलाचरण में ऐसे लिखते हैं, ये इंद्र गण आदि, ये इंद्र सो इंद्र भगवान के सामने आकर मस्तक रगड़ते हैं, मानो मस्तक पर बनी रेखाओं के जरिए वे अपना भाग्य ही बदलना चाहते हैं. समझ गए बात को? थोड़ा तो समझ रहे हैं? अब जानते हैं जैसे हस्त रेखाओं से भविष्य पता चलता है, वैसे इससे भी भविष्य नक्की करते हैं. अब जानते हैं कुछ? उदरदास जी ने वहां लिखा, माथा क्यों रगड़ते? काय का प्रतीक? अपना भविष्य बदलना चाहते हैं. मजा नहीं आ रहा उनको वहां पर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ध्रुव, अचल, अनुपम, तीन बातें हुई, एक लाइन का अर्थ हुआ. वंदित तु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमम गदिम पते. जो सिद्धों को अपने दिल में बसाना चाहते हो, वे ध्रुवता का, अचलता का, अनुपमता का आश्रय ले. वे लोग जिसमें उलझ रहे हैं, हम उसमें नहीं उलझो. अनुपम, कुछ हटकर, हटकर. आत्मन निराशांत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं वापस आएगी. पुण्योदय भी क्षण भंगुर है मत लख कर ललचाना, पापोदय की प्रतिकूलताओं से ना घबराना. दुनिया की बातों में आकर नहीं चित भ्रमाना, नित तत्वों के अभ्यास में ही चित लगाना. इसने किया, उसने किया, अनुपम. यदि तुम्हें अनुपम कुछ चाहिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होना है, तो आपकी लौकिक सोच नहीं होना चाहिए. जैसा आम करते हैं वैसे आम आपको नहीं होना चाहिए. आप में यू विल हैव टू बी एबनॉर्मल टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. नॉर्मल नहीं रहता वो आदमी. आप समझ रहे हैं? सब रीति नीति उसकी सोच बदल जाती है. ध्रुव अचल अनुपम की बात हुई, आगे की लाइन के अर्थ देखते हैं. समय सुद केवली भणिदम. मैं आपको वो छामे कहूंगा, समय पाहुड़ को कहूंगा. कैसा है वो समय पाहुड़? केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा लिखा गया, कहा गया. बहुत रहस्य की बात है ये. मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वह सत्य इसीलिए है क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, परंपरा से आई हुई बात है. ध्यान रखना भाइयों, वचन वे प्रामाणिक होते हैं जो केवली श्रुत केवलियों की परंपरा से आते हैं. वचन की प्रामाणिकता के लिए, वचन की प्रामाणिकता के लिए और दूसरी क्वालिटीज नहीं देखी जा सकती. जैसे मुनि की परीक्षा कैसे होती है, कुछ बोलो. 28 मूल गुण, 28 मूल गुणों से होती है. वक्ता की प्रामाणिकता कैसे? अनुवीची भाषणम. क्या बोला? क्या क्या शब्द का प्रयोग किया? कहा का शब्द है? कुछ स्वाध्याय है? स्वाध्याय है? कुछ स्वाध्याय है क्या? हा कैसे, हा भी कैसे कहे, ना भी कैसे कहे? हमारे हालत तो कुछ थोड़ी बहुत ऐसी ही है. हमने यहाँ के, हमने वहाँ वहाँ के. ये तो बहुत अच्छा हो गया, अध्यात्म ने हमको लिफ्ट दे दिया. तो हमारे हालत कोई उस कुत्ते से बहुत अच्छी नहीं होने वाली थी. भ्रम से बाहर निकलो. कुछ कह रहा था, अनुवीची भाषणम कहाँ पर आया?
तत्वर सूत्र में दोपहर में चलेगा, सातवें अध्याय में आएगा। अनुमिची भाषणम मतलब जैसे परंपरा से वचन आए हैं वैसा ही बोलना, अपनी कुछ भी नहीं कहूंगा, केवली श्रुत केवली की जो परंपरा से। और एक बात महत्वपूर्ण बात, पॉइंट टू बी नोटेड, बाकी की क्वालिटीज हो तो ठीक, न हो तो ठीक, बहुत अच्छी आवाज हो तो ठीक, न हो तो ठीक, गोरा हो काला हो ठीक न ठीक, गुजराती बोलने में आती हो तो ठीक, नहीं तो ठीक, मुझे तो आती नहीं है। आगे के बाद आत्मानुभवी हो तो ठीक, न हो तो ठीक, ये सब विशेष क्वालिटीज है। जिनको कोई प्रश्न पूछना हो वे भरी सभा में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कहा मैंने अभी? आत्मानुभूति होना अनिवार्य नहीं है, हो तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा, बात कुछ और है। वक्ता के स्वरूप को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जहां पर विशेषताएं कही, विशेषताएं न्याय व्याकरण का ज्ञाता आदि आदि, वहां पर आत्मानुभव की बात हुई है। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, डोंट इंसिस्ट, क्योंकि आप परीक्षण भी किसी के आत्मानुभव का नहीं कर सकते। कोई पैमाना हमारे पास किसी के आत्मानुभव का नहीं हुआ करता। प्रशंसा वेग अस्थि के अनुकंपा, इतना ही हमारे पास पैमाना है जो चरणानुयोग ने दिया है, दूसरा और कुछ भी नहीं हुआ करता। वक्ता की प्रामाणिकता उतनी ही है जो परंपरा के अनुसार बात करेगा। कुछ पूछा नहीं आया तो मैं ग्रंथ में देखकर बताऊंगा, और मैं यहां से बोल दू ये ऐसा है, साहब ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, और यहां से हल्के आवाज में ये बोले, कुन कुन स्वामी ने तो वहां पर वैसा कहा है, कहा है, क्या बोल रहे हैं, कहा होगा, ऐसा नहीं, अच्छा कुन कुन स्वामी ने कहा है, ओके ओके, फिर मैं और देखूंगा, फिर बात करूंगा, अदब से अदब से। समझ में आता है? गाथा का अर्थ हुआ सामान्य। टीका की तरफ बढ़ते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। गाथा का सामान्य अर्थ हमने ये देखा, सिद्धों को नमस्कार करना अर्थात ध्रुव अचल अनुपम को नमस्कार करना। ध्यान रखना, अरहन सिद्ध कोई मांस का लथड़ा नहीं है, दो हाथ दो पैर वाला, ये आत्मिक गुण है ये सब। आत्मिक गुण है ये, तो कोई स्टैचू थोड़ी है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये, भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान किसी पत्थर में, पहाड़ में, पाषाण में नहीं विराजता। आपके भगवान काय के है, पाषाण के है कि धातु के, काय के है आपके भगवान? हमारे भगवान तो चेतनमय है। बेवकूफ, दृष्टि नहीं है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृणमये, भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। सिद्ध भगवान कोई और चीज नहीं है। जिनको सिद्ध अच्छे लगते हैं उनको ध्रुपद अचल पद और अनुपम पद अच्छा लगना चाहिए। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, उनकी रीति नीति लौकिक नहीं रहनी चाहिए। फिर आगे ये बात कही, मैं जो भी कुछ कहूंगा वो केवली श्रुत केवली द्वारा आई हुई ही कहूंगा, देयरफॉर ये सब प्रामाणिक है। ये गाथा का बात हुई। आगे बढ़ते हैं, टीकाकार को क्या कहना है। अमृतचंद्र स्वामी इसके सफल टीकाकार हुए हैं। पंडित टोडरमल जी की भाषा में यदि आपको समझना हो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं, बोलो कोई भी नब्ज हाथ लगाओ तो बहुत ढीली लग रही है मुझे, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि अध्यात्म पढ़ना हो, बोलो बोलो, अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ना। टोडरमल जी क्या लिखते हैं, आगम पढ़ना हो तो गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ना, और यदि अध्यात्म पढ़ना है आत्मख्याति पढ़ना। दैट इज इनफ। नहीं समय सारा तो धर्म किंचित अस्ति, नथिंग बियॉन्ड आत्मख्याति, नथिंग बियॉन्ड समय सारा, इसके बाद कुछ भी नहीं रहता। जिसने इसको जाना उसको और कुछ जानना शेष नहीं रहता। अमृतचंद्र स्वामी टीका लिखने बैठे, अभी देखो उनकी टोन
लिखने की। कुंतुन स्वामी ने हम पर उपकार तो किया, जब हम उनकी शरण में गए थे तो जब हम उनके नमोस्तु भगवान, नहीं, यहाँ नहीं, चलो कम विथ मी, वेर, चलो, जस्ट फॉलो, नमोस्तु, कहाँ लेके गए ये? सिद्ध बाबा। अच्छा, अमृतचंद्र स्वामी को चैन नहीं पड़ी है, क्या और भी कोई गुंजाइश है आगे बढ़ने की? सिद्ध भगवान से कोई बड़ा है? जब भी लड़ाई झगड़ा घर में होता है, बच्चे तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हम तुमसे नहीं उलझेंगे, कहीं भी ऐसा ही तो होता है। सबसे बड़े कौन? सिद्ध भगवान। और कोई बड़ा है? अनंत पार्ट है उसका, ही एक पर एक ही बात है। सिद्ध भगवान ध्रुव स्वभाव साम्राज्य अनादि निधन। अमृत चंद्र स्वामी और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। दरअसल बात यह है, जब मैं एक दुकान में गया था, हमने कहा साहब खादी का कपड़ा मिलेगा, कपड़े बनाने लायक कुछ? हाँ मिलेगा, हाँ दे दीजिए, आइए आइए बैठिए, आप। नौकर को बुलाया, कान में कुछ खुसर पुसर हुई और फिर बोले बैठिए, आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे? मैंने कहा मैं जैन हूँ, मैं बाजार वस्तु नहीं लेता, हिंसक सामग्री तो बिल्कुल ही नहीं लेता, जहरीली चीजें तो और भी नहीं, पांच अभक्षों का साम्राज्य वाला ऐसी कोई चीज नहीं लेता। वैसे आपकी जानकारी के लिए जैनी तो बाहर का पानी भी नहीं पीता, मैं जैन हूँ। अच्छा, माफ करना, ठीक है। खुसर पुसर चल रही है, मुझे थोड़ी सी सुनाई दी, वो ये बोल रहा है उसको, तो एक काम करना, सामने जो दुकान है वहां पर खादी का एक तागा मंगा के लेके आओ। मेरी टेंडेंसी क्या हुई होगी? आपको क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन। बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे? असंगी है क्या? हम इतना तो समझते ही है, मतलब वो लाएगा 100 में, वहां से हमको देगा 110 में। दुकान सामने ही है यहां पर, सब रहने दो। अरे 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 रुको, रहने दो। कहां पर? ठेठ, जहां से आप लाते हो वहीं से हम लाए, कोई रोक तो नहीं लगी है? हम सिद्धों के जब नमस्कार करने गए तो कोई बहुत अच्छा सीन नहीं था, आपको बता नहीं सकते सिद्धों की क्या हालत थी। आप जानते होंगे अकबर के पास एक जन आया था, कुछ मांगने के लिए, वो उनके नमाज का समय था, तो वहीं पर खड़ा रहा, अभी रुक जाओ। धर्म कार्यों से एक मुसलमान वंचित नहीं रहता, मौत की कीमत पर भी। एक दुकान में बहुत अच्छी बात लिखी थी, हे दुकान मैं तुम्हें नमाज के लिए कभी भी छोड़ सकता हूँ, हे नमाज मैं तुम्हारे लिए किसी को भी कभी भी छोड़ सकता हूँ। आया, नमाज का समय था, नमाज पढ़ने बैठ गए। नमाज होने के बाद अकबर उसको पूछने लगा, कौन आया था, क्या कह रहा है? काम हो गया, हम तो यहां पर आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन यहां पर देखा तो सब गड़बड़ झाला है। आपने भी लिंक बना ली है, हम डायरेक्ट वहां पर लिंक बना लेते हैं, ये टोल फ्री लिंक है, कोई भी उठाओ टोल कर लो, अपने घर का है। हम सिद्धों के पास जब गए तो अच्छी हालत नहीं देखी हमने, वे भी और किसी का आश्रय लिए थे, वे अपने आत्मा का आश्रय लिए थे, जिससे सिद्धावस्था प्रकट होती है, और जिस वस्तु का उन्होंने आश्रय किया है वो मेरे घर में भी मिली मुझे, मैं एक बेवकूफ बनकर यहां वहां घूम रहा हूं, काहे को ढूंढत फिरे, बोलो बात को पूरी करो, काहे को ढूंढत फिरे, क्या है? घूमत फिरे सिद्ध होने के काज,
राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। यह वह क्यों ठोकर मारता है, क्यों माथा पटकता है? इतनी स्वाधीनता तुमको दे दी यहां पर जैन शासन ने, कहीं नहीं जाना तुमको। फिर गिड़गिड़ाता है, फिर गिड़गिड़ाता है। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तब एक जोशी सर पढ़ाते थे, फर्स्ट ईयर में एक CMS सब्जेक्ट था, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते थे, सभी फैकल्टीज को पढ़ाया जाता था। तो 70 साल की उम्र थी उनकी, वे एक बात कहते थे, उदाहरण हमेशा देते थे, यू नो वंस आई वेंट शिकागो, एक बार भूले भटके गए होंगे विदेश में, विदेश वालों को चार्म हमारे अध्यात्म का पड़ा है, हम उनको टटोल रहे, वे हमको टटोल रहे, कितनी मूर्खता है। शिकागो गए वे, कहते हैं कुतूहल वशत, अब कुछ आए तो कुछ तो लेना तो पड़ेगा, दुनिया को कैसे दिखाएंगे हम वहां पर गए थे, कि प्रमाण तो चाहिए कुछ, तो कुछ ना कुछ दिखाए तो प्रमाण हो जाता है, और दूसरों को दिखाने के लिए हमको देखना है। क्या कहा? दूसरों को दिखाने के लिए देखना है, विषय भोग भी ढंग से नहीं भोग सकता है, सब दूसरों के लिए करना, कपड़े भी वही, यहां पर डिजाइन का क्या मतलब था तुम्हारे? कहा 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 कहा, जो तुमको दिखे ऐसा तो कुछ करो यार, बाल काले करके उसको देखेगा कौन दुनिया के लिए? विषय भोग भी अपने लिए नहीं कर रहा है, दुनिया के लिए। सबको सबका क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहता है, 10-5 मूर्ख लोग हमको अच्छा कहे उसमें उसको बड़ा मजा आता है। ठीक है, जिसके अपने अपने सोच है, क्या कर सकते हैं, अपने अपनी दुकान है, अपना अपना खाता है, जो जैसा करता है वैसा वो फल पाता है। शिकागो जब गए, बोले कुतूहल वशद अंदर गए, शर्ट अच्छा शर्ट देखा, ओके महंगा था, ले लिया, काउंटर पर आए, जस्ट फ्लैप खोल कर देखा, मेड इन इंडिया, इंडिया का, इंडिया में मिलेगा तो वो नहीं लेंगे हम, यहां से वहां जाएगा फिर हम वहां से कलेक्ट करेंगे, दुनिया को कैसे बताएंगे हम वहां जाके आए, हम कुछ अच्छी चीज ढूंढने पता चला वहां पर जाता है। हम जब सिद्धों को टटोलने गए तो कोई बहुत अच्छा नजरिया नहीं मिला हमको देखने, ये पता चला सिद्ध भगवान ने भी अपनी सिद्धत्व की शरण नहीं ली है, उन्होंने भी अपने आत्मा की शरण ली है, और जिसकी शरण उन्होंने ली है तेरा अपना घर पर है। क्या कहा? तेरा अपना घर पर है, भूलना नहीं इस बात को, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहां पर और आगे बढ़कर अमृतचंद्र स्वामी जी ने सब में सिद्धत्व की स्थापना कर दी पहले ही चोट में, सब सिद्ध, ये संसारी ये सिद्ध, ऐसे वाले सिद्ध की बात नहीं कर रही है। उमा स्वामी के पास जाकर समझ लो, दोपहर में कक्षा लगेगी, मेरी सुबह लगती है, मेरी क्लास में संसारी और सिद्ध ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है, दोपहर में, दोपहर में सब ये ऐसा कहते हैं, या ऐसा कहते हैं, अलग सा कर मिलना। सब में सिद्धत्व की स्थापना करी, सबके पल्ले लाल, बात को पूरी करो, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गाठ खोल देखी नहीं। भगवान तो एक गाइड की तरह है, हम कितना बोलते हैं भगवान की नासग्र दृष्टि है, भगवान आपकी तरफ नहीं देखते, भगवान अपनी तरफ देख रहे हैं और तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं आपने, भगवान बोलते हैं, बोलते हैं, सुबह कुछ भगवान बोले आपसे, बात हुई, मंदिर गए थे, बात हुई, कुछ कुछ नहीं। हमारे भगवान है, प्रतिमाएं है, ये दो प्रकार के टीचर्स होते हैं,
एक ड्रिल मास्टर होता है, अब जानते हैं ड्रिल मास्टर, ड्रिल मास्टर जानते हैं, एक मैथ्स का टीचर होता है, साइंस का टीचर होता है और एक ड्रिल मास्टर होता है। साइंस का टीचर कहता है अब एक काम करो उसमें ऑक्सीजन मिलाओ, अब एक काम करो उसमें ये मिलाओ, उसमें ये करो, उसमें ये करो, उसमें ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बैठा एक चेयर पर। ड्रिल मास्टर ऐसा नहीं होता है। ड्रिल मास्टर आप सबके सामने खड़ा रहता है, खड़ा वन, वो कदाचित बोले भी नहीं, ढूंढ ढूंढ दूसरा बजेगा, मैं तो करूंगा, फिर मुझे देखकर तुम कर लेना। हमारे भगवान मास्टर है, वे ड्रिल मास्टर है, वे करके दिखाते हैं, हम देखो सीखो। जिनालय शिक्षालय है, सीखने के लिए आते हैं। सीखने की उमंग से आया वाला जीव खाली हाथ नहीं जाता। जिज्ञासा लेकर आओ, बोलो, समाधान लेकर जाओ। टेंशन झंझट लेके आते पर सब सॉल्यूशन से यहां पर मिल जाते। भगवान को देखकर फिर ये कुछ भाव हमको उत्पन्न नहीं होता। ये इतना क्यों कहा? सब में सिद्धत्व की स्थापना कर दी। सांसारी और सिद्ध ऐसा कुछ भेद हमको नहीं दिख रहा है। क्या है? मिथ्या दृष्टि के नैनन से देखिए, रंग बिरंगी चाम, मेरे नैनन देखिए, सबके अंत घट में राम। एक अनोखी दृष्टि दी है हमको देखने की। आगे और बढ़ाकर हम सब सिद्ध है। अभी इस समय सिद्धत्व की स्थापना करी। सिद्ध के नाम पर यहां वहां मत देखो। सिद्ध होने का जो अक्षय भंडार है, जो फैक्ट्री है, वो हमारे पास है। हम स्वयं को आत्मा माने, वो जो पर्याय प्रकट होगी उसी को सिद्ध कहते हैं। हम स्वयं को आत्मा मानने से सिद्ध होते हैं, स्वयं को सिद्ध मानने से कुछ नहीं होते हैं। पहला बोल आज हमारा चला है टीका का। इंपोर्टेंट तीन चार बोल आएंगे टीका के, उसको लेंगे अगाड़ी, थोड़ा एक कदम आगे रखकर टीकाकार ने। वे सिद्धों को दिखा रहे थे कुन कुन स्वामी, और ये सब में सिद्धत्व की स्थापना करके वे कहते हैं बाहर नहीं देखना है, हमारा सिद्ध तो हमारे ही पास है, हमारा सिद्ध कहीं नहीं जाता है। हमारा सिद्ध मतलब मैं आत्मा, जानन देखन वाली अमूर्तिक वस्तु, शरीर स्त्री पुत्र मकान दुकान से भिन्न ऐसी जो अनुभूति, उस अनुभूति को सिद्ध अवस्था कहते हैं। और मैं आत्मा जिसमें अहम किया ऐसा आत्मा, वो स्वभाव सिद्ध। अरे सबके पास स्वभाव है। किसी का चेन बहुत अच्छा लगा किसी के गले का, तो हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा, दे देना मुझे जरा, ऐसा नहीं कहते। जरा दिखाना, दो दिन के लिए देना, फिर हम क्या करते हैं? हम गए गोल्डस्मिथ के पास, सुनार के पास गए, हमने दिखाया ऐसा सैंपल, उसका उनको दे दिया, लौटा दिया फिर से चेन। हमारी चेन बनेगी तो हमारे ही रॉ मटेरियल से। सैंपल के लिए सामने वाला अपनी चेन दे सकता है, आप समझ रहे हैं? हमारी चेन बनेगी तो हमारे ही रॉ मटेरियल से। हमारे घर सोना पड़ा है ना, सिद्ध अवस्था को देखकर हम हमारे रॉ मटेरियल से, ऐसी अवस्था मेरी भी हो सकती है। और कैसी हो सकती है? जो उन्होंने किया सोई हमको करना है। उन्होंने क्या किया? स्वयं को परिपूर्ण देखा, आत्मा देखा, ऐसी स्वभाव सामर्थ्य सब में विद्यमान रहती है। रॉ मटेरियल सबके पास है, उस रॉ मटेरियल को ही कहते हैं सिद्ध। ये कह रहे हैं कारण सिद्ध, कारण अरहंत, कारण आचार्य, कारण उपाध्याय, कारण साधु, सब हम में है। नहीं नहीं, मैं ही हूं, मेरा आश्रय करके ये अरहंत होते हैं, मेरा आश्रय करके ये सिद्धादि अवस्था है प्रकट होती है। मुझे अरहंत का आश्रय नहीं करना है, अरहंत मेरा आश्रय करता है, सिद्ध मेरा आश्रय करता है। मेरा मतलब मैं आत्मा अविनश्वर, जो स्त्री पुत्र बीवी बच्चा रूप नहीं होता। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम।